हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। पाइपिंग वर्क करा हुआ है, इधर क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है। सीट पे अगर आप देखेंगे, इसके अंदर स्टिचिंग वर्क करा हुआ है। कुशन्स भी हमने डबल कलर में प्ले करा हुआ है। मार्बल नहीं, पूरा मार्बल लग रहा है। यस, तो हम लोग इस तरीके का भी प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं। ऑब्वियसली जब हम ग्लास यूज करते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ा सा और कम जाता है। सोफे की फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, एकदम कितना नीट एंड फिनिशेबल है, देखने में लग रहा है। साइड में हमने फ्लूटेड MDF लगाया हुआ है, ड्रॉस के ऊपर भी वही पैटर्न करा हुआ है, पीछे क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है। साइड टेबल इसका थोड़ा सा यूनिक बनाया हुआ है, नीचे शीशम वुड का चौकी बना हुआ है, इसमें फ्लूटेड पैनल का सामने काम करा हुआ है, इधर ड्रॉर है और ऊपर भी ड्रॉर बनाया हुआ है, हिडन ड्रॉर। और अगर आप लोग ये सोफा देख रहे हैं तो आप पीछे कमेंट बताइए कि इसकी फिनिशिंग कैसी लग रही है। अब इसके अंदर एक हिडन स्टोरेज भी है अंदर की तरफ, बहुत अच्छा। एंड डाइनिंग टेबल्स पुनीत जी, अगेन स्टील में भी मिल जाएगा, वुडन बेस भी मिल जाएगा, पॉलिस्टर चेयर्स भी मिल जाएगा, फुल कवर चेयर्स भी मिल जाएगा। विद वुड का स्टॉक है हमारा, दिस इज ऑल शीशम वुड, ये सारा सीजन करा हुआ होता है। सीजनिंग का भी मैं एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। वेलकम बैक पुनीत जी, सो दिस इज अनदर फ्लोर, अनदर सेट ऑफ फर्नीचर्स। यहाँ पर हमारे काफी सारे अलग तरीके के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं। वील कंटिन्यू विद सम बेड्स एंड देन उसके बाद हम सोफा सेट्स और डाइनिंग्स पे आएंगे। ये हमारा एक बेड बना हुआ है, शीशम वुड के अंदर बेड है, पीछे की तरफ हमने क्विल्टिंग का पैटर्न करा हुआ है, बॉक्स स्ट्रक्चर में बना हुआ है, 6x6.5 साइज है। और ये बेड 34,000 rupees का इस वीडियो में मैं आपको ऑफर करता हूँ। ठीक है, अगर आप ये कुशन वर्क हटाते तो मेरे ख्याल से प्राइस कम हो जाएगा थोड़ा। यस ऑफ कोर्स, बट जो काम आएगा उसके हिसाब से, जैसे अगर मैंने कुशन वर्क हटाया तो इस तरीके का काम कर दिया। अच्छा, इसमें आगे ड्रॉर है एंड ये भी सेम वही पैटर्न है, इसके अंदर कटवर्क करा हुआ है, इसके अंदर दिले बनाए हुए हैं, ये ऊपर दिखा रखा है हमने शायद। हाँ, तो इसके अंदर प्लाई नहीं लगा होगा, इसके अंदर प्लाई लगा होगा क्योंकि ये जो कटवर्क आ गया, कटवर्क है। दोनों ही बेड्स फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 30,000 rupees। ओ, इसके पीछे जैसे शीशम वुड का कटवर्क है तो ये भी प्योर शीशम वुड है, उसके पीछे प्लाई लगाई होगी, उसके प्लाई प्लाई होगी, प्लाई कोई बोर्ड वोर्ड नहीं होगा, नहीं बिल्कुल प्लाई होगा, प्लाई होगा और 15mm का प्लाई होगा और उसके ऊपर ये पीसेस लगाए हुए हैं, फेविकॉल और नेल दोनों करा हुआ है। ठीक है, एंड अगेन एज आई सेड ये स्टार्टिंग रेंज में आपको ऑफर कर रहा हूँ दोनों बेड्स का 30,000 rupees। 30,000, ठीक है, ये 30 हो गया। अब ये वाला एक, ये अलग रखा है कुछ आपने, नया रखा है ये वाला? ये बोर्ड प्लाई में बेड बनाया हुआ है, इसमें साइड में हमने फ्लूटेड MDF लगाया हुआ है जी, ड्रॉर्स के ऊपर भी वही पैटर्न करा हुआ है, बीच में क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है, चारों तरफ इसके अंदर बोर्ड प्लाई का बॉक्स बना हुआ है, ऊपर भी इसके अंदर 12mm प्लाई, 15mm प्लाई है, नीचे 12mm प्लाई है, अंदर इसके स्टील के सपोर्ट्स हैं। और ये बेड मैं इस वीडियो में आपको ऑफर कर रहा हूँ 38,500 rupees का विद साइड टेबल्स। विद साइड टेबल्स, और जितने बेड आपने ये सब दिखाए थे शीशम वाले, ये भी साइड टेबल्स? नहीं, ये सारे विदाउट साइड टेबल्स। अच्छा, अलग थे? अलग थे। क्या साइड टेबल क्या रहता है? साइड टेबल्स जैसे मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, साइड टेबल ये वाली होगी या वो तीन होगी वहाँ पे? हाँ जी, ये 6,500 rupees का पेयर है। अच्छा, ये वाला इंडिविजुअली लेते हैं तो 3,500 rupees का है, अदरवाइज 6,500 rupees का पेयर में आपको ऑफर। ठीक है, तो जितने भी आपको प्राइजेस बेड के बताए गए वो विदाउट साइड टेबल्स, विदाउट साइड टेबल्स के एक्स्ट्रा जो रहेगा सर ने आपको बताया। स्टार्टिंग जो बताया 6,500 पेयर का, फॉर पेयर 3,500 सिंगल का, सिंगल पीस। और ये क्या आ गया? ऑटोमन बेड हमारा, ये मैंने एक बेड बना के रखा हुआ है, इसमें सामने की तरफ मैंने एक ऑटोमन बनाया हुआ है, पीछे क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है, साइड टेबल्स इसका थोड़ा सा यूनिक बनाया हुआ है, नीचे शीशम वुड का चौकी बना हुआ है, इसमें फ्लूटेड पैनल का सामने काम करा हुआ है, इधर ड्रॉर है और ऊपर भी ड्रॉर बनाया हुआ है, हिडन ड्रॉर। और इस बेड का प्राइस मैं आपको इस वीडियो में ऑफर कर रहा हूँ 47,000 rupees का विद साइड टेबल्स, विद साइड टेबल्स। और आपने रास्ते में एक चीज बताई थी कि आपका जो बेड्स है वो पार्ट्स में आते हैं। यस, सो मैं बेड आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये बेड अगर आप देखेंगे तो ये मेरा कम्प्लीटली फोल्डिंग बेड है, इसमें ये पैनल अलग हो जाएगा, उधर का पैनल अलग हो जाएगा, अच्छा। प्लाई अलग हो जाएगा, फ्रंट अलग हो जाएगा, ब्लैक अलग हो जाएगा, नीचे के प्लाईज खुल जाएंगी और ये जो सपोर्ट्स हैं ये स्टील का सपोर्ट है, मेटल का है सारा। तो ये पूरा का पूरा बेड डिसमेंटल हो जाएगा। ये वो ट्रेडिशनल स्टाइल नहीं है कि दो बॉक्सेस हो, एक फ्रंट हो एक बैक हो, नहीं, ये पूरा कोलैप्सिबल है। इट इज इजी टू शिप, डिफिकल्ट टू मैन्युफैक्चर, ये मैं उसके हिसाब से प्राइसिंग आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब बनाने में मुश्किल भी है, आसानी से भेज सकते हैं आपके घर तक या चढ़ा सकते हैं आपके घर के अंदर, वहाँ आकर जो इंस्टॉल करेंगे उसका एक्स्ट्रा चार्जेस
ऑब्वियसली भेजने के चार्जेस हैं, इंस्टॉलेशन उसमें इंक्लूड रहता है, इंस्टॉलेशन फ्री रहेगा ना। हाँ, लेकिन अगर कोई आउट ऑफ स्टेशन हमसे अगर ये प्रोडक्ट मंगाता है तो वो हम मूवर्स एंड पैकर्स के थ्रू शिप करते हैं। कुछ मूवर्स एंड पैकर्स इसको इंस्टॉल आपके घर कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के भेजेंगे और वो वीडियो से आप खुद भी, सिर्फ एक स्पैनर लगता है छोटा सा, वो स्पैनर हम साथ में आपको शिप कर देंगे, वो स्पैनर के साथ आप खुद भी असेंबल कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, चलो अच्छा। हार्डली 15 मिनट्स लगते हैं बेड को असेंबल करने में, बट यस, मैं अब यहाँ से अगर 1000 किलोमीटर दूर कहीं पर भेज रहा हूँ, आई कांट सेंड अ पर्सन टू असेंबल द बेड, सो आई विल गिव द स्पैनर, आई विल गिव अ ट्यूटोरियल वीडियो, यू कैन असेंबल द बेड। जो कॉमन बेड जो मिलते हैं बॉक्सेस वाले वही भेज देगा आपने तो, वो भी हो सकता है, उसमें शिपिंग चार्जेस थोड़े से फालतू कॉस्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें कम ले रहे हो, पीसेस में जाएगा, एरिया कम लगेगा। यस एग्जैक्टली, और सेफली भी जाएगा। जितना बड़ा यूनिट होगा वो पता नहीं लोग कैसे रखेंगे, उसके ऊपर क्या रखा जाएगा, ये जितना पार्ट्स में होगा उतना पैकिंग आसान होगा, उतना शिपिंग आसान होगा इसका। ठीक है, जल्दी से प्राइस बताते हो चलते हैं। ये बेड मेरे को बहुत पसंद आया था आपका ये वाला। दिस इज फॉर 30,000 रुपीस। दिस इज दैट इज इन पॉलिएस्टर विद साइड टेबल्स। प्राइस आई विल गिव यू ऑन कॉल। ठीक है, ये केन वर्क के साथ बेड है। दिस इज फॉर 35,000 रुपीस। इसमें आगे हमने ड्रॉअर बनाया हुआ है, पीछे की तरफ केन वर्क करा हुआ है। लास्ट वीडियो में हमने सेंटर में पैटर्न कुछ और करा हुआ था, इस वीडियो में हमने थोड़ा सा डिजाइन चेंज किया है, थोड़ा सा कलर चेंज किया है। ठीक है, मैं इसका भी ड्रॉअर एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, दोबारा खोलेंगे, ये शायद हमने नहीं बताया था, यहाँ नीचे ये प्लाई है हमारा। हाँ, सारे ही बेड्स में, शीशम वुड के जितने भी बेड्स हैं, इनफैक्ट जितने भी बेड्स मैं बना रहा हूँ, नीचे और ऊपर दोनों तरफ प्लाई लगता है। ये पेंट था तो मुझे ना शीशम वुड लगा थोड़ा, वो जो नहीं नहीं, ये प्लाई है, नीचे भी प्लाई है, ऊपर भी प्लाई है, साइड के पैनल्स वुड के हैं दोनों तरफ। ठीक है, ठीक है, ये वाला बेड कितने का? दिस इज 38,500 विद साइड टेबल्स। अगेन ये ऊपर मैंने आपको हनी कलर के अंदर अभी दिखाया था, ये डिस्ट्रेस फिनिश के अंदर रखा हुआ है। दिस इज फॉर 31,000 रुपीस। दिस फॉर 32,500 रुपीस। ये कटवर्क के अंदर है, इसमें कटवर्क थोड़ा सा टीडीएस है। ठीक है, तो अब बेड की तो बात होगी, बहुत yes. ज्यादा टाइम ले लिया हमने, अब सोफे की बात करते हैं। सामने ये रखा हुआ है, ये हमारा एक थोड़ा सा हैवी सोफा है, इसमें अगर आप देखेंगे हमने आर्म्स भी काफी हैवी बनाए हुए हैं, बैक भी इसकी हैवी है, और इसके अंदर आप देखिए ये जो हमने क्विल्टिंग का पैटर्न करा हुआ है, चारों तरफ ये पैटर्न हमने करा हुआ है, इसमें आप क्विल्टिंग कितनी उभरी हुई है ये भी नोटिस कर सकते हैं। फिनिशिंग आपको दिखाई दे रही होगी, एम्बोसिंग दिखाई दे रही होगी जाती है तभी। और सीट पे कितने, मतलब ऐसे जो पैटर्न जो आपने ये बना रखा है, कितने ऑप्शन देते हैं आप सीट पर? आप काफी सारे ऑप्शन हैं, ये जो सोफे के अंदर जनरली जो कैटलॉग का डिजाइन है उसमें इस तरीके से आता है। अगर कोई मेरे को बोलते हैं मेरे को क्विल्टिंग करनी है या सीट में भी स्ट्राइप्स का पैटर्न करवाना है या कोई और पैटर्न भी करवाना है या प्लेन करवाना है, तो वी कैन गिव दैट ऑप्शन टू आवर कस्टमर्स। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो आपने बताया शीशम का, तो अपना है ही आपका मैन्युफैक्चरिंग, तो इसकी भी आपकी अपनी एनएससी? यस ऑफ कोर्स, आई विल शो यू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, लेटर इन द वीडियो। आपके ना सोफे की फिनिशिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, एकदम जो कहते हैं ना नीट एंड फिनिश है, वो है, देखने में लग रहा है कि हाँ आंखों को कहते हैं ना कि भा जाता है, ये वो चीज लग रही है मेरे। थैंक यू पुनीत जी। एक सोफा इधर भी हमारा रखा हुआ है जी, इसके अंदर अंदर चेस्टर का काम करा हुआ है हमने, बाहर की तरफ हमने इसके अंदर लाइनिंग करा हुआ है, इसके अंदर भी पाइपिंग वर्क साइड में करा हुआ है, नीचे लेग्स हमने थोड़ा सा डिफरेंट इसके अंदर लगाया हुआ है पाइपिंग वर्क से मैचिंग। कुशन्स भी अगर आप देखेंगे तो इसके थोड़े से डिफरेंट बनाने की कोशिश करी हुई है। और ये सोफा इन दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 8,500 रुपीज पर सीट। ठीक है, ये वाला सोफा आई एम ऑफरिंग यू फॉर 9,000 रुपीज पर सीट। ठीक है, और फोम की अगर दोबारा से बात करें, हम लोग जो फोम लगा रहे हैं वो कॉरफोम लगा रहे हैं, जो हम स्ट्रक्चर इसके अंदर बना रहे हैं वो मिरांडी वुड का बना रहे हैं, 2.5-3.5 के अंदर। और फैब्रिक ऑब्वियसली कस्टमर चॉइस का है, किसी सोफे में माइक्रो स्वेड लगा हुआ है, किसी में स्वेड लगा हुआ है, किसी में स्वेड लेदर स्वेड लेदर लगा हुआ है, किसी में मॉल्फिनो लगा हुआ है। अब हम आगे कुछ आपको प्रोडक्ट्स दिखाएंगे जो अभी हम डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर बुकले भी लगा रहे हैं, और भी कई तरीके के फैब्रिक्स हम यूज करते हैं, जैसे हम अपने कार्विंग वाले सोफा सेट्स के अंदर जकार्ड भी यूज करते हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। एक ये सोफा बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने स्वेड लेदर लगाया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन सोफा है लेदराइट के अंदर, क्वाइट कंफर्टेबल। इसका अगर आप साइड से डिजाइन देखेंगे बहुत प्यारा, बहुत यूनिक डिजाइन है। इसके साइड के अंदर एक छोटा सा हमने पीस भी लगाया हुआ है बकल का, जो बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस सोफा इन दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 8,500 रुपीस पर सीट। ठीक है, चलो मैंने सोफे तो बहुत दिखाया, मैंने सेंटर टेबल्स भी दिखाई है, पर ये सेंटर टेबल ना कुछ अलग है, ये इसका जो कलर ना पुनीत जी, दिस इज ऑल इंडियन, नथिंग इम्पोर्टेड। बेस जो हमने बनाया हुआ है वो पाउडर कोटेड एमएस के अंदर बनाया हुआ है, जो ऊपर पत्थर हमने लगाया हुआ है ये डायना पत्थर है, उसके ऊपर पॉलिएस्टर करा हुआ है। मजा आ गया।
और कलर कॉम्बिनेशन जब हम बना रहे थे तो हमने भी इमेजिन नहीं करा था कि इतना प्यारा निखर के आएगा। और ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स भी हम डेवलप करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं बट करते हैं। तो अगर किसी कस्टमर की इस तरीके की भी चीजों की जरूरत है तो वो भी हम डेवलप करके देंगे। ये आप मान के चलिए अराउंड 20,000 रुपीज की रेंज में कंप्लीट सेट कॉस्ट करेगा। ठीक है, और ये साइड टेबल्स ऐसे मिल जाते हैं? मेरे पास साइड टेबल्स भी अवेलेबल हैं। अब जैसे कुछ पत्थर मैंने अलग अलग लगाए हुए हैं, ये डायना है, ये सिल्वर ओक है, इसके ऊपर पॉलिएस्टर का वर्क करा हुआ है, एनएसएल ब्लैक भी मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे पीछे एक सेंटर टेबल रखा हुआ है आपके, इसके अंदर हमने नीचे एमएस यूज करा हुआ है। ऊपर ऊपर आप बताइए क्या लगा हुआ है। मैंने तो बता ही दिया था आपको देख के, ये डिजिटल ग्लास है, ये मार्बल नहीं है, पूरा मार्बल लग रहा है। यस, तो हम लोग इस तरीके का भी प्रोडक्ट डेवलप कर देते हैं। ऑब्वियसली जब हम ग्लास यूज करते हैं तो कॉस्टिंग थोड़ा सा और कम जाता है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स की कॉस्टिंग के लिए आप लोग आइए, आप लोग देखिए एंड मैं कैलकुलेट करके आपको दूंगा। जो प्रोडक्ट आप जिस, जैसे ये एसएस में बना हुआ है, एसएस के ऊपर मार्बल मैंने सिल्वर ओक लगाया हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग में, और अगर यही प्रोडक्ट मैं अगर एमएस के अंदर उसके ऊपर ग्लास लगाऊंगा उसकी कॉस्टिंग में काफी फर्क आएगा। लेकिन टाइम देना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है कि इंस्टेंटली डेवलप हो जाते हैं। मैं आउटसोर्स करता हूँ इन प्रोडक्ट्स को, दो जगह होता है, एक जगह मैन्युफैक्चरिंग होती है, एक जगह इसके ऊपर कोटिंग्स होती है, तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है और कॉस्टिंग भी मेरे को वजन के हिसाब से निकाल के देना पड़ता है। ये सोफे की फिनिशिंग मतलब कलर बहुत प्यारा लग रहा है, इसकी बात करते थोड़े से। ये पुनी जी हमने ग्रे कलर में सोफा अभी डेवलप किया है, इसके अंदर बाहर सारा हमने राउंड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पाइपिंग वर्क करा हुआ है, इधर क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है, सीट पे अगर आप देखेंगे इसके अंदर स्टिचिंग वर्क करा हुआ है, कुशन्स भी हमने डबल कलर में प्ले करा हुआ है जी, थोड़ा सा गोल्डन कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर लगाया हुआ है जी, नीचे की तरफ हमने गोल्डन स्ट्रिप डाली हुई है और लेग्स भी हमने गोल्डन कलर की थ्री वायर वाली डाली हुई है। ये सोफा सेट भी फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 8,500 रुपीस पर सीट। ठीक है, 8,500 पर सीट रहेगा पर सीट। इसके डाइमेंशंस बता दे, काफी बड़ा बल्कि सा लग रहा है। हां जी, ये सोफा 8 फुट है बाहर से बाहर, ठीक है, 8 फुट के अंदर अंदर ही आ जाएगा बट आई एम टेलिंग यू 8 फुट है। और ये 2 सीटर जो है ये 6 फीट का है, 6 फीट का है 2 सीटर। हां जी, ठीक है, तो 8,500 रहेगा इसका प्राइस। हां जी, इसका पुनी जी ये सोफा हमने डबल प्लाई में बनाया हुआ है, बाहर एक फ्लेक्सी प्लाई लगा के उस पे क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है, अंदर की तरफ जैसे एक नॉर्मल सोफा बनाते हैं वैसे बनाया हुआ है, पाइपिंग वर्क करा हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन भी दो कलर्स में हमने प्ले करा हुआ है। एंड दिस सोफा फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 10,000 रुपीस पर सीट। 10,000 पर सीट, पर सीट। और ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है मार्केट में, बहुत प्यारा डिजाइन पर कॉमन हो चुका है ये वाला। बिल्कुल पुनीत जी, ये भी बहुत चलने वाला सोफा है, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ स्टिचिंग वर्क करा हुआ है, सीट्स पर भी स्टिचिंग वर्क करा हुआ है स्ट्रेट लाइन के अंदर, कुशन्स भी स्टिचिंग वर्क के अंदर बनाए हुए हैं जी। लास्ट टाइम हमने जब ये वीडियो में कवर करा था तो ये कलर थोड़ा सा हमने लाइट लगाया हुआ था, और अब की बारी हमने थोड़ा सा बेजे स्टोन ट्राई करा है क्योंकि ये गंदा जल्दी हो जाता है लाइट कलर, तो इसलिए हमने थोड़ा सा कलर को डार्क कर दिया है। एंड फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू दिस सोफा फॉर 9,000 रुपीस पर सीट। और अगर आप लोग ये सोफा देख रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट बताइए कि इसकी फिनिशिंग कैसी लग रही है। पुनी जी मैं अपने मुंह मियां मिठू नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं एक बारी पोटेंशियल कस्टमर्स को बोलूंगा कि जस्ट कम एंड हैव अ लुक एट द सोफा, जस्ट सी द फिनिशिंग वर्क एंड देन डिसाइड कि कॉस्टिंग इसका क्यों जस्टिफाई होता है या नहीं होता। जबरदस्ती नहीं है कि आप आ रहे हो तो लेकर ही जाइए, पहले आइए पसंद करिए, आपको जब समझ आता है कि हाँ भी ये वर्थ है इस प्राइस में, फिनिशिंग है, क्वालिटी है, तो लीजिए, जबरदस्ती नहीं है। ये आ गया एक ये सोफा हमने बना के रखा हुआ है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ठीक है पीछे की तरफ स्टिचिंग का वर्क करा हुआ है, साइड में भी आपको डिजाइन दिख रहा होगा। इसके अंदर हमने माइक्रो स्वेडी लगाया हुआ है नॉन शेडिंग, और सीट्स अगेन कॉर्फोम कंपनी की है। ये सोफा भी फॉर दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 7,500 रुपीस पर सीट। ठीक है, और एक ये हमारा जो सिंथेटिक रेजिन बोलते हैं सर, पर फाइबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये उसके अंदर बना हुआ है। दिस सोफा आई एम ऑफरिंग यू फॉर 63,000 रुपीस पर 7 सीटर। ठीक है, 63,000 यहाँ पर लगेगा, और ये पूरा शीशम वुड के अंदर बना हुआ है। साइज इसका 45 इंचेस बाय 23-22 इंचेस के करीब होता है, और इसमें हम हनी टोन भी कर सकते हैं, और ये 12,000 रुपीस
का सेंसिटिविटी। ठीक है, और सर ने बताया कि आप ये सॉलिड वुड में कोई फर्नीचर ले लीजिए, जैसे मर्जी फिनिश करवा लीजिए, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। हाँ जी ठीक है। अब ये जो आजकल बहुत कोई टर्किश कह रहा है, कोई इटली इटालियन डिजाइन कह रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा कौन सा है ये। ये एक सोफा है एंड इसके अंदर हमने यहाँ पर पाइपिंग वर्क करा हुआ है, नीचे क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है, साइड में भी क्विल्टिंग वर्क करा हुआ है। थोड़ा सा हमने प्ले इसके अंदर डिफरेंट करा है, नीचे वुड का चौकी बनाया हुआ है जी, लेग स्टील वायर वाला लगाया हुआ है, इधर पहले वुड दिया है उसके बाद स्टील का वर्क करा अच्छा। हुआ है। फैब्रिक भी ऊपर जो हमने लगाया हुआ है डिफरेंट है। दिस इज स्वेड, दिस इज नॉट माइक्रो स्वेड, आप हाथ लगाएंगे तो समझ में आएगा। कुशन वर्क भी इसमें डिफरेंट करा हुआ है। ठीक है। और विद दीज फीचर्स ऑफ द सोफा आई एम ऑफरिंग यू फॉर 9,500 पर सीट। ठीक है, 9,500 पर सीट। पर सीट। ठीक है। आपका मैंने नोटिस करा है कि शीशम वुड का ज्यादा है आपका, तो मैं आपको चाहता हूँ कि आप जितने भी सोफे बना रहे ना उसमें प्लीज एक टच दीजिए अपने शीशम वुड का। Next मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों ताकि पता लगे कि आप खुद नेक्स्ट टाइम मैं आपको खुद बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे फ्यूजन में दिखाऊंगा जो I'll surprise you। तो लोगों को पता लगे कि आप खुद ही बना रहे हैं, कि मार्केट में जैसे 100 लोग हैं जो दे रहे हैं, 100 में से सिर्फ 15 ही बना रहे हैं और 85 ट्रेडिंग कर रहे हैं। पुनीत जी, नेक्स्ट टाइम I'll surprise you। कुछ प्रोडक्ट्स मैंने आपकी बारी आपको नए दिखाए हैं, अगली बारी और आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। डाइनिंग टेबल्स पुनीत जी अगेन स्टील में भी मिल जाएगा, वुडन बेस भी मिल जाएगा, पॉलिस्टर चेयर्स भी मिल जाएगा, फुल कवर चेयर्स भी मिल जाएगा विद केन वर्क, मार्बल्स में आपको ऑनिक्स भी मिल जाएगा, ये सत्यवारियो का कॉपी रखा हुआ ये भी मिल जाएगा, डायना कहेंगे डायना भी मिल जाएगा। अच्छा। एंड प्राइसिंग विल डिपेंड ऑन द स्टोन, ऑन द बेस, ऑन द चेयर। स्टार्टिंग रेंज ऑफ अ फुल कवर्ड चेयर इज अराउंड 7,000-7,500 रुपीज। ठीक है। और पॉलिस्टर का चेयर अगर हम लेते हैं तो वो 10,000-11,000-12,000-13,000-18,000 रुपीज का भी चेयर है। ठीक है। बट जो जनरली आप देख रहे हो ये 11-12.5 की रेंज का चेयर्स है। पत्थर का जो कॉस्टिंग आता है वो हमारा 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट से शुरू होके अच्छा अप टू जो अभी पत्थर रखे हुए हैं 1,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट तक है विद पॉलिएस्टर मैं आपको बता रहा हूँ। और ऑनिक्स के ऊपर ऑब्वियसली थोड़ा चार्जेस बढ़ जाते हैं, ऑनिक्स के ऊपर पॉलिएस्टर कराएंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं कंप्लीट डाइनिंग सेट्स का बात करूं तो डाइनिंग सेट्स का प्राइसिंग अगर हम एक स्टोन टॉप देख रहे हैं, जैसे एक मैंने ऊपर शीशम वुड में आपको दिखा रहा था, तो शीशम वुड के अंदर अगर हम देखेंगे तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 60,000 रुपीज विद ऑनिक्स टॉप। ठीक है। एंड अगर फुल कवर्ड चेयर के साथ हम टीक बेस के साथ देखेंगे इट विल स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 65,000-70,000 रुपीज। ठीक है। और दिस विल गो विद अ स्टील बेस विद अ पॉलिएस्टर चेयर अप टिल 1,25,000-1,30,000। ठीक है। जो मेरे पास अभी करंटली डिजाइन रखे हुए हैं इसमें जो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, मैं इसके साथ और भी डिजाइन आपको दिखा दूंगा, उस हिसाब से मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ। जनरली अगर आप बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो 1+ की रेंज में जाता है, और अगर आप जैसे रन ऑफ द मिल जो मेरे पास डिजाइन है वो बनवाते हैं तो वो 75-1 के बीच में रहते हैं। ठीक है। तो अगर आप इनमें से नहीं लेते तो आप सॉलिड वुड लेते हो, सर ने बताया कि आपका 18,500 बताया था आपने, वो 4-सीटर का कॉस्ट मैंने आपको दिया, स्टार्ट वो 18,500 से शुरू होकर और ऊपर तक जाता है। आपको कुछ सोफा सेट्स और दिखा देता हूँ और कुछ बेडरूम चेयर्स भी दिखाता हूँ, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। ये एक एल शेप पैटर्न में सोफा हमारा बना हुआ है, इसके साइड में अगर आप देखेंगे हमने ये पाइपिंग वर्क गोल्डन में करा हुआ है जी, डिजाइन पार्ट कुशन्स के ऊपर भी डाला है, साइड में भी डाला है कॉम्प्लीमेंट करता हुआ, बैक में भी स्टिचिंग वर्क करा हुआ है। सोफे का साइज 9x6.5 का है एंड द सोफा इन दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 43,000 रुपीज। ठीक है। 43,000 का है, फिनिशिंग आपको दिख रही है, स्टिचिंग वर्क आपको दिख रहा है, और ये सर ने खुद अपनी फैक्ट्री में बना रखी है, ये पाइपिंग रेडीमेड आती है वो नहीं है, नहीं ये वो नहीं है, ये खुद स्टिच करी हुई है, देखिए पूरा मेटल लग रहा है, तो ये चीज बताती है कि वर्कमैनशिप। एक ये सेंटर टेबल भी यहाँ पर रखा हुआ है जी, ये आप वो क्रेट वाली कहते हैं, इसको क्रेट सेंटर टेबल बोलते हैं, इसके अंदर एक हिडन स्टोरेज भी है अंदर की तरफ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंड दिस सेंटर टेबल इन दिस वीडियो आई एम ऑफरिंग यू फॉर 11,500 की, 2x2 या 3x3 है, 34x34 का साइज है इसका, 34x34 वही 3x3 का करीब आ गया साइज। ये सोफा हमारा एल शेप है, बहुत सारे कस्टमर्स को बहुत पसंद आता है जी। ये सॉलिड वुड के अंदर बना हुआ है,
साइड में इसमें हमने डायमंड पैटर्न करा हुआ है। अभी मैंने ऊपर इसका आपको 322 का वर्जन दिखाया है, ये इसका एल शेप का वर्जन है। हम किसी भी सोफे को एल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका जैसे अभी हमने 322 ऊपर रखा हुआ है, ऐसे कोई भी जो आपने ऊपर सोफा देखा अभी, जो वीडियो के अंदर पहले देखा होगा वुडन सोफा, उसको हम एल शेप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगेन ये सेंटर टेबल हम ऊपर कवर कर चुके हैं, इसके अंदर अगेन नीचे स्टूल्स हैं, और ये सेंटर टेबल विद ग्लास 18,500 रुपीज का है। ठीक है। आगे एक ये एल शेप सोफा है, ये सोफे के साथ सेंटर टेबल, दो पफ्स, कंप्लीट सेट इज फॉर 50,000 रुपीज। ठीक है। तो ये वही सोफा है जो अभी आपने आउट ऑफ इंडिया भी करा है? हाँ, ये मेरा बाहर भी गया है और ये वही सेम सोफा है। सोफे तो दो तीन पीस बाहर जा चुके हैं, दिस इज वन ऑफ दोज सोफा सेट्स। एक ये एल शेप सोफा रखा हुआ है, ये भी प्रोफाइल के अंदर रखा हुआ है, साइज अगेन जो आप बोलेंगे वो कर देंगे। एक ये भी एल शेप हमने बना के रखा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप ऑल ओवर इंडिया तो दे ही रहे हैं, तो वर्ल्ड वाइड देते हैं या कुछ लिमिटेड जगह है? लिमिटेड, मैं लिमिटेड ही कर पाता हूँ पुनीत जी। एक तो प्रोडक्शन मेरी खुद की है, सो व्हेन इट इज एन हाउस प्रोडक्शन आई कैन ओनली मेक एन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है। एंड दूसरा, शिपिंग कॉस्ट काफी होता है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स हैंडल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इट इज एज डिफिकल्ट एज मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। तो हर एक पार्ट मैं इंडिया का भी कवर नहीं कर पाता, कुछ पार्ट्स तक ही डिलीवर कर पाता हूँ, कई पिन कोड्स पे नहीं भी कर पाता। अगर अभी बोले अब आपको जो देख रहे हैं उनको चाहिए, वहाँ पर आपकी चीज पसंद आई है, क्वालिटी पसंद आई, लेना है, तो भेजेंगे नहीं भेजेंगे? भेजेंगे पुनीत जी, बट उसकी जो एडिशनल कॉस्ट होगी वो तो देखो वो जरूर डिस्कस करेंगे, वो मैं मानता हूँ आपको। हाँ, देनी पड़ेगी, पर आप भेजेंगे ना? बिल्कुल भेजेंगे। ठीक है। तो आप भेजेंगे, हर पिन कोड में मिल जाएगा? मैक्सिमम पिन कोड पे डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कुछ चेयर्स पुनीत जी देख लेते हैं, मेरे को चेयर तो अच्छी लग रही, टेबल बहुत प्यारी लग रही है। पुनीत जी की बात करते हैं, ये चेयर टीकोट के अंदर हमने बनाई हुई है, ये किसी कस्टमर के लिए ही बनाई थी, तो मैंने 6 चेयर्स बनाई थी, मेरे को काफी अच्छी लग रही थी। 4 चेयर्स मैंने उनके लिए बनाई थी, 2 चेयर्स मैंने अपने लिए बना ली, तो इस टाइप की चेयर्स भी हम बनाते हैं। एक ये चेयर का पैटर्न भी आप देख सकते हैं, इस टाइप की चेयर्स भी हम बनाते हैं। आगे एक बार इस टेबल का प्राइस बता दीजिए मेरे लिए। दिस टेबल इज फॉर 13,000 रुपीस। 13,000 रुपीस, ठीक है। 3x3 साइज के अंदर। हां, ये चेयर्स आ गई हमारी। ये भी चेयर्स का पैटर्न है, दिस इज फॉर 20,000 रुपीस अ पेयर। ये हाई बैक चेयर्स हैं, दिस इज फॉर 30,000 रुपीस अ पेयर। 15,000 पर चेयर, 10,000 पर चेयर, 10,000 रुपीस पर चेयर। एक ये मैंने केन वर्क के साथ चेयर बना के रखी हुई है, ये 18,500 रुपीस फॉर अ पेयर है। ठीक है। और तो इसकी फिनिशिंग की मैं बात करूं तो पहले इसकी पॉलिश वर्क चेक करिए, इसकी हाई ग्लॉस नेचुरल पीयू है हमारा। पीयू नहीं है पुनीत जी, ये मैंने मेलामाइन ही करा हुआ है। ये मेलामाइन कर रखा है? मेलामाइन करा हुआ है। जा गए मेलामाइन, और कोई स्टोर होता हां वो हां बोल देता कि हां भी पीयू हो रखा, पर ये पूरा मेलामाइन में करा हुआ है मैंने। ये मेलामाइन और इसकी फिनिशिंग देखिए, अगर पीयू आएगा तो और खिल के आएगा फिर तो ऊपर। पुनीत जी, इट विल डिपेंड ऑन द वर्कमैनशिप। वर्कमैनशिप मेन चीज वो है, और इसकी ग्रेन से की ये जो अच्छी वाली जो हमारी है नेचुरल वही करा जाता है जहाँ पे अच्छी लकड़ लगाई जाती है। Obviously, नहीं तो Obviously, लोग जो सॉलिड कलर कर देते हैं वो क्यों करते हैं? छुपाने के लिए, ग्रेन्स छुपाने के लिए, है ना, कि हल्की लकड़ आए। ये अच्छी वाली ए ग्रेड की लकड़ है ये। ये अभी एक नया ही पैटर्न डेवलप किया है, नया पैटर्न क्या, नया फैब्रिक यूज किया है। अच्छा। सो दिस इज इन बुकले, चेयर का पैटर्न तो पुराना है पर बुकले के अंदर ये डिफरेंट लुक आ रहा है, बहुत सोबर चेयर लग रहा है ये। और ये चेयर का प्राइस 22,000 रुपीज इन बुकले फैब्रिक। ठीक है। पुनीत जी, काफी सारे प्रोडक्ट्स हमने कवर कर लिए हैं, कुछ चीजें और थी जो मैंने डिस्कस करनी थी व्यूअर्स के लिए, तो आइए ऊपर चलते हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कस कर। चलिए पुनीत जी, ये एक सोफा अभी हमारा पॉलिश हो रहा है सॉलिड वुड के अंदर, और ये अभी हम नीचे भी देखकर आए थे, ये डायमंड पैटर्न के अंदर है। लास्ट हमने यही सोफा अभी देखा है, तो ये एल शेप सोफा है डायमंड पैटर्न के अंदर। एक ये बेड भी अभी हमने नीचे एक आपको बना हुआ दिखाया था, ये वही बेड है। आगे अंदर मैं आपको कुछ यूनिट्स और दिखाता हूँ जो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे लड़के। एक मिनट, ये मेरे सामने ही दिखे थे प्लाई दिखी थी, कोर्ड दिखे, तो एकदम मतलब हल्का सा भी गैप नहीं है, तो ये एक अच्छी प्लाई की पहचान होती है। ये अभी एक किसी का बंक बेड बन रहा है, सो दिस इज द अपर पोर्शन, इस पे व्हाइट ड्यूको होगा, तो प्लाई के ऊपर MDF लगाया हुआ है ड्यूको के लिए। बच्चों के लिए बन रहा है बंक बेड? बच्चों के लिए बन रहा है। और किड्स फर्नीचर यहाँ मिल जाता है आपको, बंक बेड मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये एक अंदर अभी कुछ यूनिट्स और रेडी हो रहे हैं हमारे, ये अभी एक कस्टमर का एल शेप सोफा अभी हम रेडी कर रहे हैं। ठीक है। तो शीशम वुड ऐसी होती है बिना पॉलिश के? बिना पॉलिश के। कोई सोचे कि एकदम डार्क होती है, पहले नहीं लगता था, जैसे जैसे ये एक पैनल है वुड का, तो इसमें पता चल जाएगा कहीं पे लाइट होगा कहीं पे डार्क होगा, ये इस तरीके से पूरा का पूरा वुड होता है। और ये पीसेज होते हैं जो कि हम सीधा करके ज्वाइन करते हैं,
इसके प्लांट्स बनाते हैं, दिखाए थे जो आपने यहाँ पे स्टोर कर रखे। तो ये एक यूनिट और बन रहा है। हर एक सेक्शन को अलग अलग साइज में पहले जोड़ना पड़ता है, उसके बाद इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये उस तरीके की चीज है। आइए आगे एक दो यूनिट्स आपको और छोटे छोटे दिखाता हूँ। उससे पहले ये जो आपका जो स्टोर कर रखा है लकड़ा आपने, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। पुनी जी, ये वुड का स्टॉक है हमारा, दिस इज ऑल शीशम वुड। ये सारा सीजन करा हुआ होता है। सीजनिंग का भी मैं एक छोटा सा प्रोसेस बता देता हूँ। सीजनिंग का प्रोसेस ये होता है, ये जितनी भी लकड़ी होती है ये पहले कट करी जाती है। कट करने के बाद जब ये एक पर्टिकुलर साइज में हो जाती है, उसके बाद इसको एक चेम्बर में डाला जाता है, जिसके अंदर इसको पानी और दवाई के साथ उबाला जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जितना भी कीड़ा होता है वो मर जाता है। फिर उसके बाद इसको एक ड्राइंग चेम्बर के अंदर रखा जाता है, जहां पर इसके ऊपर गर्म हवा फेंकी जाती है जी। और इसके गर्म हवा तब तक फेंकी जाती है जब तक इसका मॉइस्चर लेवल 6% से नीचे ना आ जाए या 6% मीट ना कर जाए। उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे इसको मेजर करा जाता है। और जब ये 6% हो जाता है, उसके बाद इसको निकाला जाता है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर होता यह है कि इसके अंदर जब हम दवाई लगा के इसको पानी के साथ उबालते हैं तो कीड़ा मर जाता है। उसके बाद जब हम इसको सुखाते हैं तो इसके अंदर जो फटास आनी होती है, अभी जैसे आप ये लकड़ी का एक सेक्शन रखा हुआ है, इसके अंदर आप ये देखिए ये फटास आई हुई है। हाँ। तो ये फटास ऑटोमेटिकली उस टाइम आ जाएगी जब इसको सुखाया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर ये गीली होगी तो सूखने के बाद फटेगी ये। अच्छा तो इसको इसीलिए सुखाया जाता है ताकि ये जो फटास होती है, जो बेंडिंग होती है, वो लकड़ी में पहले से आ जाए, ताकि जब हम उसको यूज करें तो वो उसी फॉर्म में रहे। ठीक है, उसको बाद में अगर होगा तो आर्टिकल पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो सीजनिंग का प्रोसेस कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये आपने बंक बेड बता दिए। ये बंक बेड बन रहा है, यहाँ पे कुछ बेड्स बन रहे हैं। अब ये बेड के जो साइड के पैनल्स होते हैं वो रेडी करे जा रहे हैं। एक ये पैनल रेडी हो रहा है, एक इधर एक पैनल रेडी हो रहा है, इधर भी काफी सारे पैनल्स हमने रेडी करके रखे हुए हैं। ठीक है, और ये मशीन का बता दीजिए क्या होता है इससे। इस मशीन से हम लोग लकड़ी को सीधा करते हैं। इस मशीन के अंदर जो अभी आप मैंने आपको रॉ वुड दिखाई थी, वो रॉ वुड जब इसके अंदर हम डालते हैं तो उसके ऊपर रंधा लगता है और वो सीधी करी जाती है। अभी जैसे लास्ट वीडियो में हमने आपको एक मंदिर दिखाया था, ये किसी का मंदिर अभी बन रहा है। अगेन इसमें मल्टीपल टेक्निक्स यूज करी हुई हैं। पीछे MDF के ऊपर CNC करा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर ये शीशम वुड का है। यहाँ पर भी CNC करा हुआ है, ये लेथ वर्क है। तो ये मल्टीपल टेक्निक्स यूज करी जाती है एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने में। ये जो अभी आपका लूवर काउंटर बेड जो हम आपको अंदर दिखा रहे थे, ये लूवर काउंटर 2 पीस रेडी हो रहे हैं। अगेन इसमें जो आपको समझ में आ रहा होगा, अभी डोर्स इसके प्रिपेयर हो रहे हैं, साइड के पैनल्स प्रिपेयर हो रहे हैं, ड्रॉर्स प्रिपेयर होंगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम बनाते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो अभी दिखाई ही थी, डिस्प्ले यूनिट हमने पहले ही दिखा दी। ठीक है, और बहुत चीजें थी जो हमने दिखानी थी पर नहीं दिखा पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बोलते हैं कि वीडियो शॉर्ट रखा करें। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, बट चीजें होती है, बातें करनी होती है। मुझे एक चीज पता है कि हम बड़ी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा टेक्निकल पे बात करते हैं। मेरा मेरे को आदत लगे कि लोगों को पता लगे किस चीज के वो पैसे दे रहे हैं। yes. मेरी यही कोशिश रहती है मैं हर चीज कवर करूं। ठीक है, एक दो चीजें मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा। बहुत सारे व्यूअर्स की क्वेरीज होती है कि आपकी लोकेशन क्या है, हम आपको कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर नंबर्स आ रहे हैं, आप उन नंबर्स पे एक व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली स्टोर का लोकेशन भी आ जाएगा, एड्रेस भी आ जाएगा। साथ साथ हमारे प्रीवियस वीडियोस जो हैं उनके भी लिंक्स आपके पास आ जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को देखिए, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स और भी कवर करे हुए हैं। दूसरा, हमारा ट्यूसडे को ऑफ रहता है, वीकली ऑफ इस ट्यूसडे। वर्किंग आवर्स इज बिटवीन 11 to 9 PM। एक बहुत जरूरी चीज मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज कॉल, डोंट कॉल मी एट 1:30 इन द नाइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यू नो अटेंड द कॉल्स, वी ऑल्सो हैव अ फैमिली। बहुत सारा प्यार मिला मेरे को व्यूअर्स का, एंड आई एम होपिंग कि आगे भी बहुत सारे लोग हमारे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू पुनी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।